प्यारे बहनों भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे। आज जो मैं आपके साथ वजीफा पेश करने जा रही हूँ, बहुत ही नायाब और बहुत ही बुलंद बोला, बहुत ही आला किस्म का वजीफा है और दिलों में मोहब्बतों को पैदा करने वाला है, तालिब को मतलूब के पास लाने वाला है और अगर कोई घर में परेशानी, दुख तकलीफ या कोई ऐसा मसला है उसको खत्म करने वाला ये वजीफा है। एक वजीफा पेश करने से पहले एक बार बता दूं कि आप लोगों ने बिल्कुल भी इसको नाजायज काम के लिए नहीं करना। जो मेरे अच्छे सब्सक्राइबर है और मेरे अच्छे बहन भाई है जो सुनने वाले हैं, उनसे गुजारिश है कि अच्छे काम के लिए वजीफे को इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह जरूर कामयाबी होगी। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, खासकर मेरे वो सब्सक्राइबर जो मुझे पसंद कर रहे हैं और जो मेरे चैनल पर आकर कमेंट्स करते हैं, तो मैं अपने भाइयों से और बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि मुझे अफसोस होता है कि अगर देखें मेरे वालिद साहब हैं और उनकी इजाजत से अमलियात को पेश किया जाता है, अगर उनकी इजाजत ना हो तो मैं अमलियात को नहीं पेश कर सकती क्योंकि हमारे जो मुरीद हैं उनके अमल के खराब होने का डर होता है, ठीक है ना। तो उनकी खराबी की वजह से हम अमलियात कुछ ऐसे हैं जो हम बड़े अमलियात हैं वो आपको अभी नहीं बता रहे, लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जरूर बताए जाएंगे। लेकिन आप लोग भी इस चीज का ख्याल रखें कि अमलियात की कदर जाने, अमलियात को की कदर करें। अब मैंने जो है हमने जो तरीका इख्तियार किया है मुकम्मल डिटेल हर अमल के साथ आपको पेश की है और उसमें किसी किस्म की छूट की कोई गुंजाइश नहीं है। आप उसमें किसी किस्म की छूट की कोई गुंजाइश ना रखें और जिस तरह आपको बताया जा रहा है बिल्कुल वैसे ही अमलियात को करें। अब आज आप अपने वजीफे की तरफ। आज जो वजीफा मैं आपको बताऊंगी ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफा है। आपने क्या करना है, 786 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पर दम करके जिसको भी वो पानी पिलाओगे, जैसे ही वो पानी पिएगा आपसे उसकी मोहब्बत ऐसे उजागर हो जाएगी जैसे कभी खत्म हुई ही ना थी। और एक बात याद रखिएगा, अगर फैमिली है तो अगर फैमिली में ये मसला है मोहब्बत नहीं बढ़ती तो फिर आपने पढ़कर खाने पर दम करके वो खिलाएं तो इंशाल्लाह मोहब्बत बुलंद और बाला हो जाएगी। और अगर कोई ऐसा मसला है कि अगर मोहब्बत ये चाहत है भी लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़े होते हैं तो फिर ये करें, तो अगर आप मियाँ बीवी हैं तो ये तो लाजमन करें ना, चाहे मोहब्बत हो या ना हो लेकिन ये अमल लाजमन करें। 786 मरतबा एक दफा का अमल है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पानी पे दम करके आप उनको पिलाएं, जिसको भी आप पिलाएंगे वो आपसे मोहब्बत, गहरी मोहब्बत करेगा और नाजायज काम के लिए इसको इस्तेमाल ना करें वरना वो बाले जान और वो बाले खतरा आपके लिए बन जाएगा। ये बिस्मिल्लाह और दुरूद शरीफ के दरमियान का मामला है, बहुत मौजूद है तो इसको शरीयत के खिलाफ इस्तेमाल ना करें। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आपको करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह पाक हमेशा आपको सलामत रखे और इंशाल्लाह मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मेरे वालिद साहब की दुआएं आपके साथ हैं। आप जब भी कोई अमल शुरू करो, जब भी आप कोई वजायफ शुरू करो तो एक दफा बता दिया करें ताकि आपके लिए मदरसे वाले दुआ करें। इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।